नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पठारी में शमशान भूमि के चारों तरफ शमशान भूमि को सुसज्जित, सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के उद्देश्य से लगभग 7 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में काफी दिनों से शमशान भूमि के चारों तरफ बाउंड्री वॉल निर्माण की बात उठ रही थी। इस विषय के बारे में ग्राम पंचायत पठारी के सरपंच देवेंद्र सिंह और सचिव गोविंद सिंह ने द खबरदार न्यूज के साथ बात करते हुए बताया कि काफी समय से ग्रामीणों के द्वारा शमशान भूमि के चारों तरफ बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर के मांग उठाई जा रही थी, जो इस कार्य के साथ पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बाउंड्री वॉल निर्माण के साथ ही शांति धाम में एक मुख्य द्वार और 2 चक्रे का निर्माण भी किया जाएगा, तथा साथ ही साथ भविष्य में वृक्षारोपण करके शमशान भूमि को सुंदर और सुसज्जित बनाने का भी कार्य किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तिरुपति है शाम के 7 बजे मिले तुम्हें निरंजन निरंजन मिल जाए। अब जो कोई तो हो तो हम पूछ रहे होते बता रहा हमारी बात कही जो ने सुनो बाउंड्री वॉल बन रही है। किस निधि से बन रही है? पंचायत निधि उनकी निधि टैक्स द्वारा वसूली गई थी और पठारी की बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों की एक ही मांग रहती थी कि पठारी शमशान घाट का विकास हो, उसकी बाउंड्री हो, बैठक व्यवस्था हो, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था करा रहे हैं। मकबूल हो गया है, उसमें मोटर डाल के बढ़िया बैठक व्यवस्था करा देते, उसकी बाउंड्री हुई, उसकी करीब 7 लाख की लागत से बाउंड्री का निर्माण हुआ है और एक और अभी प्रक्रिया कराई है। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।